अपने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। धनबाद में एक ऐसी महिला है जो राम की दीवानी है। 32 सालों से वो मौन है। जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का गुंबद को ध्वस्त किया गया था, उसी समय से धनबाद की रहने वाली सरस्वती अग्रवाल 85 वर्षीय पूरी तरह से मौन हो गए और उन्होंने शपथ ले लिया कि जब तक अयोध्या में रामलला विराजमान नहीं होंगे तब तक भी मौन रहेंगी। आपको बता दें कि 22 जनवरी को उनको अयोध्या में आने के लिए निमंत्रण पत्र आया है। के पास है जो 6 दिसंबर 1992 को एक हमारे साथ मौजूद है दीवानी सरस्वती अग्रवाल, जो 6 दिसंबर 1992 से पूरी तरह से मौन है। वो शपथ ले ली है कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी। 22 जनवरी को जो है रामलला का स्थापना भी होने जा रहा है। माता जी की क्या कहानी है? माता जी तो मौन है और हम लोग जब वो मोदी जी आए 5 तारीख को शिलान्यास किए, उस समय हम लोगों ने कहा कि तो मंदिर बनेगा ही बनेगा, तो आप मौन खोल दीजिए। तो बोले नहीं, ये हम नहीं मानेंगे और उसके बाद जो है रामलला को मंदिर में देख लेंगे तभी मौन खोलेंगे। लोगों ने बहुत कोशिश किया पहले कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता कि मौन इतना दिन तुम करेगी, तो फिर हम लोग सोचे थोड़ा दिन मौन रहेगी तो फिर अपने आप बोलने लगेगी, तो नहीं बोली। तो धीरे धीरे हम लोगों को भी आदत हो गई और बहुत लोग इसका सपोर्ट करने लगी कि नहीं आप लोगों को क्या दिक्कत है, हम लोग संभाल रहे हैं ना। बस उसी धीरे धीरे आम बात हो गई और हम लोग भी समझ नहीं सके कि इतना दिन चला गया कोई। बस इसलिए हम इसका रीजन मेन हमको ये लगता कि ज्यादातर ये घर में कम रहती है, तीर्थों में ही रहती है, इसीलिए जब वहां से आती है तो फिर सोचते कि भाई महीना भर तो रहेगी, हम लोग परेशानी क्या है, ये अपना मन से अपना कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट जिसको बोलते हैं वो एडजस्ट करते हैं। मौन में इतना ताकत लगा हम लोगों को, ठीक है मंदिर का निर्माण तो मान लीजिए इनके ऐसा प्रतीक होता हम लोगों की, हमको तो ये लग रहा कि मेरी माँ के कारण मंदिर बन रहा, हमको अपना इतना गर्व महसूस हो रहा कि उनका कृपा, जैसे ये जो पूजा पाठ वगैरह जो करती है और ये कर, तो हम लोग जो पहले भावरा में थे तो हम लोग का छोटा मोटा कारोबार होता और जब से ये मौन रही है हम लोग चारों भाई का जो है ना व्यापार भी फल फूल रहा है, भैया भी जैसे बहुत बढ़िया पोस्टिंग में है कि ये एक बार रांची में गई थी मुरारी बापू का प्रवचन में और सबसे आगे चले गई और अपना आसन बिछाने लगी, तो वहां के सदस्य ने इसका हाथ पकड़ के बाहर करने के लिए सोचा तो मुरारी बापू खांसते हुए इशारा किए उसको, नहीं तुम उनको वही बैठने दो। फिर जैसे ही वहां प्रोग्राम खत्म हुआ लोग आके इनको घेर लिए, बोले अरे मुरारी बापू बोल रहे तुम उसकी बहन है। हमने देखा कि कॉपी में कुछ लिख रही थी, कॉपी में क्या लिख रही थी? ये लिख रही है कि आज हमारे मन की खुशी का कोई अंत नहीं, आज हम हमारी खुशी भर भर के आ रही है और आज के दिन मोदी जी को याद कर रहे हैं। मोदी जी दशरथ जी के रूप में है और योगी जी गुरु वशिष्ठ के रूप में है जो जिसने मंदिर बनवाया, हम उनको नमन करते हैं। इनका साफ शब्दों में यह कहना है कि योगी जी और मोदी जी के ही कारण मंदिर बना, नहीं तो मंदिर कोई बनाने वाला और नहीं। अब तो यहाँ से इनका कल यात्रा है, कल यहाँ से निकलेंगे अयोध्या के लिए, वहां से 2 से 3 महीना भी वहां रहना है। परिवार ही नहीं बल्कि इनके जितने रिलेटिव लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो व्याकुल हैं इनकी आवाज को सुनने के लिए, क्योंकि 32 साल बाद कितनी आवाजों में चेंजिंग हुआ होगा। इस समय न्यूजीलैंड भारत के लिए धनबाद से अशोक कुमार सिंह। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।